उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अगले दो दिन के सभी चुनावी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चारधाम यात्रा के साथ ही उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्र में वन अग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण कर लिया गया है और जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी अपने अपने क्षेत्र की मॉनिटरिंग करने का काम करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में मॉनसून सीजन शुरू होने के साथ ही भूस्खलन की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, जिसको देखते हुए आज आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें उन्हें निर्देशित किया गया है कि बरसात से पहले वो अपनी तैयारियों को पूरा करने का काम करें। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हर साल बड़ी यात्रा चारधाम यात्रा, जिसकी पूरे देशवासियों को सबको प्रतीक्षा होती है, उत्तराखंड वासियों को विशेष रूप से, वो चारधाम यात्रा की आज समीक्षा की है उसकी तैयारियों के बारे में कि सभी कोई तैयारी छूटे ना और सब ठीक प्रकार से हो, यात्रियों को परेशानी ना हो। इसके साथ साथ वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफ़ी कम हो गई है, अब आधी से कम हो गई है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रण में लियाया जाए। उसके लिए अभी भी डीएम को और यहाँ के जो हमारे शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं उन सभी को कहा है कि सब मॉनिटरिंग करें और जो लोग इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। कुछ लोग जो जिन्होंने लापरवाही बरती है अपने कर्तव्यों में, अपने कामों में, उनके आज सस्पेंशन के ऑर्डर भी अभी जारी हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन की भी समीक्षा आज गहन समीक्षा करी है, क्योंकि हमको भूस्खलन है, आपदा है, अतिवृष्टि है, बर्फबारी है, उन सब का सामना करना पड़ता है, तो सभी प्रकार से सड़कों की भी आज समीक्षा हुई है। पेयजल एक बड़ी समस्या जो हर साल हमको उसका सामना करना पड़ता है, लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर पानी लेने का इंतज़ार करते हैं, पेयजल के लिए अपना परिश्रम करते हैं, उनको परेशानी न हो। पेयजल विभाग जो है पूरी तरह से संवेदनशील होकर इस पर काम करे, बिजली की किल्लत न हो, तो सभी जो भी उपाय हैं उन सभी उपायों पर कि लोगों को परेशानी न हो और चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों को परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो और एक अच्छा संदेश वो लेकर जाएं। और साथ में चारधाम आने वाले यात्रियों से भी मेरा ये अनुरोध है कि यात्रा में बहुत सारे लोग कई बार यात्रा के नियमों का पालन करना भूल जाते हैं, तो यात्रा के नियमों का पालन जरूर करें। अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां आगामी चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इसी को लेकर उत्तराखंड डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि सभी जिलों के सीएमओ द्वारा जितनी डॉक्टरों की मांग की गई उन्हें उतने मुहैया कराए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम वाले जिले के डॉक्टर और अन्य जिलों के डॉक्टरों को मिलाकर कुल 389 एमबीबीएस डॉक्टर, 69 स्पेशलिस्ट और 337 पैरामेडिकल कर्मी तैनात किए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग इस यात्रा के लिए पूरी तैयार है और हम सुकर सुरक्षित यात्रा का हमारा मंतव्य है और जितना भी जिले से सीएमओ द्वारा डिमांड की गई है डॉक्टर्स की, वो हमने उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ऑलरेडी लगभग इस तरह से उनके जो अपने डॉक्टर तैनात थे और जो बाहर से दिए थे उस मिला के कुल 389 एमबीबीएस डॉक्टर्स, 79 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 337 पैरामेडिकल हम लोगों ने तैनात किए हैं।